किसने वोट दोगे? अब भाई इनने पूछा तो हम खा देंगे, ये कह देंगे जाए कह देंगे हमारे अंकल आपने जी अपना वोट ना बना। बने वोट, अंकल जी कह देंगे हमारे जा देंगे दे फिर। अच्छा, जिसने वोट की कह दिया आप उसी ने दे दोगे, विकास के नाम पे वोट नहीं दोगे अरे बताओ। देंगे पर घर के भी तो कहेंगे भाई कुछ बात घर वालों ने जो बोल दिया आप उस हिसाब से वोट दोगे। अच्छा, आप किसने वोट दोगे जी? अरे घर ये कहेंगे जाए देंगे भी हम तो हमारे वोट इतना के जन कहाँ देंगे तो मतलब महंगाई बेरोजगारी ये सब ना देखते हुए घराने जिसने बोल दिया उसने वोट दे दोगे? दे देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, मैं इस वक्त नगर विधानसभा के चिरावल मली गांव में हूं। मेरे साथ गृहणियों को देख सकते हैं आप, और आज चर्चा का विषय यही रहने वाला है कि अब की बार किसकी सरकार, क्योंकि चुनाव चुनावी बिगुल बज चुका है। मेरे साथ गृहणियां एक बार इनसे बात करते हैं, किसने वोट दोगे? अब भाई इनने पूछा तो हम खा देंगे, ये कह देंगे जाए कह देंगे हमारे अंकल जी। अपना वोट ना बना, बने वोट अंकल जी कह देंगे हमारे जा देंगे दे फिर। अच्छा, जिसने वोट की कह दिया आप उसी ने दे दोगे, विकास के नाम पे वोट नहीं दोगे बताओ। अरे देंगे पर घर के भी तो कहेंगे भाई कुछ बात घर वालों ने जो बोल दिया आप उस हिसाब से वोट दोगे। अच्छा, आप किसने वोट दोगे जी? अरे मॉडलिंग ना बन रहे आप अभी, ये बताए किसने वोट दोगे? घर ये कहेंगे जाए देंगे भी हम तो हमारे वोट इतना के जन कहाँ देंगे तो मतलब महंगाई बेरोजगारी ये सब ना देखते हुए घराने जिसने बोल दिया उसने वोट दे दोगे? दे देंगे। देखिए ये गृहणियां हैं, ये कह रही है कि घरा जिसने कह दिया वही वोट डाल देंगे। अब चलिए जो घर वाले हैं उनसे ही पूछ लेते हैं, किसने वोट दोगे, किसने वोट दोगे जी? मैडम वैसे तो बीजेपी को देंगे वोट हम, क्योंकि बीजेपी देश में भी अब राजस्थान में कई विकास कराए थे। गहलोत जी ने तो युवा पीढ़ी को बहुत नुकसान किया है कि ना तो रीट का पेपर हुआ, 5 साल हो गए और कोई वैकेंसी क्लियर ही नहीं हुई अभी तक। रीट का हो चाहे किसी की कोई भी पेपर हो, फर्स्ट ग्रेड का तो आउट हो जाते हैं, सेकंड ग्रेड का आउट हो गया, कोई सुनवाई नहीं होती है। मोदी जी ने जो 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी वो उसने ना देखोगे? मोदी जी के देखो ये तो केंद्र का तो पता नहीं कर रहे हैं वो, खैर इस बात नहीं। तो जो समाजवादी पार्टी ने ना देखे आपने कि उन्होंने भी काम करे क्षेत्र में? मैडम हमारे यहाँ तो बाजी वाली कांग्रेस से हैं, वैसे पहले बहुजन से थे माननीय बाजी वाली जी, बहुजन से टिकट मिले थे उनको जी। और फिलहाल क्या कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो अब तो फिलहाल कांग्रेस में है वो। अगर कोई नया वो तो चेहरा देखते हैं कोई भी हो, सभी करते हैं। बंद करवा दी तो भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए देश के अंदर महंगाई बेरोजगारी पिछले 9 सालों में चरम सीमा पे पहुंच चुकी है ये चीजें, इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता को पार्टी को वोट देंगे, किन आधारों पे वोट देंगे, किन तथ्यों पे वोट देंगे? अब देखो महंगाई तो सभी चीज में हो चुकी है, बेरोजगारी भी बढ़ चुकी है, महंगाई भत्ता भी बढ़ गए, सब चीज में है। अब वो तो देखो जो विदेश में देश में जो नाम करता है देश का, उसका अपना ऑटोमेटिक फर्क तो पड़ता है। अच्छा, वो है तो विदेशों में डंका बज रहा है, तो आप इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का चयन करेंगे? भारत की छवि बनी हुई है। अच्छा, विदेशों में आज की तारीख में तो गहलोत जी भी जाएंगे अगर इंटरनेशनल पटल पे, तो वहाँ पे वो भी अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे। गहलोत जी क्या करेंगे? गहलोत जी तो दूसरे की बदौलत बने हुए मुख्यमंत्री। किसके बदौलत? क्या सचिन की बदौलत बने हुए हैं वो? सचिन अगर नहीं होते तो उनकी 21 सीट भी नहीं आती, वो दोबारा लेके बता दो 21 सीट। सचिन के बदौलत अशोक गहलोत जी बने हैं। हाँ जी। तो आपने कांग्रेस को वोट दिया था पिछले चुनावों में या भारतीय जनता? मुरारी जी लड़े थे हमारे यहाँ से। अच्छा, मुरारी लाल गुजर वो लड़े थे, हमें तो कांग्रेस आपने को सचिन पायलट के नाम पे वोट दिए थे अशोक के नाम से? सचिन के नाम से। सचिन के नाम से? सचिन के नाम से वोट दी थी। तो आपके पूरा परिवार जन इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला है? यस यस, अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हाँ जी। चलिए नौजवान है, युवा पीढ़ी है, एक बार इनसे भी बात करते हैं, किनको वोट देंगे, किनको वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, युवाओं का बुरा हाल हो चुका है इस तो पार्टी गहलोत कर रहा है राजस्थान में, बीजेपी को ही है, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। डिप्लोमा धारकों को प्रति माह 3,000 रूपए दे रहे हैं गहलोत जी, वो दे रहा है, अपन सब पेपर ही आउट करा रहा है, जो भी है जितने भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट के सब पेपर आउट कराए इसने। अच्छा, डोडा सराव देखो आप, उसने अपने सबरे घर वाले RS कर दिए। अच्छा, जितेश। हाँ,
तो पेपर लीक हो रहे हैं, इस वजह से आप भारतीय जनता पार्टी का चयन करेंगे? एमपी में भी हुए थे पेपर लीक, तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है? नहीं, हम तो बीजेपी को ही देंगे वोट। बीजेपी को ही निराधार वोट देंगे? निराधार, कोई भी आए कोई भी नहीं आए। सचिन पायलट ने यदि कोई निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या फिर वो कुछ अपनी तरफ से तिकड़म करते हैं भारतीय जनता पार्टी या फिर वही कांग्रेस में रहते हैं, तो फिर सचिन की तरफ? फिर सचिन पहली प्रायोरिटी, सचिन पायलट, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी। ओके ओके, पहले सचिन पायलट फिर बीजेपी। यहाँ पे और भी नौजवान साथी है, एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं। किसको वोट देंगे जी? सचिन पायलट की। सचिन पायलट की वोट है? कह रहे सत्ता का लालची है सचिन पायलट? नहीं नहीं, लोकप्रिय नेता है वो, सर्व समाज का नेता है। सत्ता का लालची कह रहे हैं? जब पिछली बार जीते थे तब उन्होंने सत्ता के लिए इतना बखेड़ा किया था? गलत कह रही है। अच्छा नेता है, लोकप्रिय है, सर्व जातियों को साथ लेके चलता है। हाँ, 3600 कौम का नेता है। अच्छा, विकास का इंजन बढ़ा दिया गहलोत सरकार ने? कुछ नहीं बढ़ाया, कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार किया उसने। भ्रष्टाचार? हाँ, टोटल 3000 रुपए प्रति माह डिप्लोमा के लिए, डिप्लोमा धारकों को दे रहे हैं। हमारे लिए तो कुछ मिला नहीं अभी से। तो आपका वोट है सचिन पायलट को? अगर ये कांग्रेस में रहते हैं तो मुख्यमंत्री के रूप में आप सचिन पायलट को देखना चाहते हैं? सचिन पायलट को चुना। और यदि सचिन पायलट निर्दलीय लड़ते हैं तो? लड़ते हैं तो वो उसकी पार्टी के लिए वोट देंगे। उसकी पार्टी के लिए पक्का वोट सचिन पायलट का है। आपको जनता के ये रुझान कितने आपस में मेल खाते हुए दिख रहे हैं ये जरूर बताइएगा। और आपका वोट किसको जाने वाला है इस बार के चुनाव में? अब की बार किसकी सरकार में किसको अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार और चयनित चेहरा मानते हैं ये जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।